महाराष्ट्र के सियासी दाव पेच चले जा रहे हैं, जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपना कुनबा मजबूत करना शुरू कर दिया, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में कांग्रेस विधायक जितेश अंतापुकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेरकर का इस्तीफा सौंपा था। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में अंतापुरकर बीजेपी में शामिल हो गए। अंतापुरकर अशोक चव्हाण के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। इस अवसर पर शिवाजी की मूर्ति गिरने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएम ने खुले मन से माफी मांग ली है, शिव प्रेमियों से, जनता से और शिवाजी महाराज से माफी मांगी है, क्योंकि वो हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए हम कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं मानते और अगर उन्होंने पीएम की पूरी बात सुनी होती तो ऐसी बात नहीं करते। शिवाजी मूर्ति गिरने पर अजीत गुट के प्रोटेस्ट पर और महायुति के दरार पर उन्होंने कहा कि घटना के बाद हम सबको दुख है, पीएम ने काफी माफी मांग ली है, सीएम शिंदे, अजीत पवार और मैंने भी खुद माफी मांगी, इस घटना से सब काफी दुखी हैं, इसलिए सब अपने अपने मन की भावना व्यक्त कर रहे हैं और सबके अपने अपने अलग तरीके हैं भावना व्यक्त करने के, इसलिए मैं महायुति की दरार है ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तानाजी सावंत के अजीत पवार के साथ बैठने पर उल्टी होने के बयान बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देना ठीक नहीं है, ऐसे बयान पर हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी ने अपने विधायकों जीशान सिद्दीकी और जितेश अंतापुरकर को निष्कासित कर दिया। उन्होंने जाशीन सिद्दीकी और अंतापुरकर को निष्कासन करने के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन ये कार्रवाई एक महीने से अधिक समय बाद की गई। जब ये बात सामने आई कि 7 कांग्रेस विधायकों ने विधान परिषद की 11 सीटों के लिए द्वादशीय चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिशान सिद्दीकी और अंतापुरकर ने एक सवाल का जवाब देते हुए पटोले ने कहा कि दोनों विधायकों पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिशान सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा से चुने गए थे, जबकि अंतापुरकर नांदेड़ जिले से देगलूर के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए ये दो विधायक कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हैं, और ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।